रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। जी हम भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि खुश ठीक ठाक हैं, खुश हैं, आबाद हैं। जी अल्लाह ताला तमाम बीमारों की शिफा दे, तमाम भी औलादों को औलाद दे और तमाम बेरोज़गार भाई को अच्छा सा रोज़गार अता फरमाए जी। और तमाम देश प्रदेश से जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे, आबाद रखे और तमाम आफतों मुसीबतों से जाना बहुत दूर रखे जी, आमीन। आज हम ना दोपहर का वक्त है, रात को हमने बनाई थी गोभी, आलू गोभी बनाई थी। तो अभी दिन को जो है ना, वो मैंने पूछा अहमद से और अहमद के बाबा से कि आज अपने क्या खाना है, मतलब पराठा खाना है आलू गोभी वाला या के रोटी बना लूँ सादी जो गोभी के साथ हम खा लें, क्योंकि रात को जो बनाई थी ना वो सुबह थोड़ी सी बच गई है इसलिए। तो अभी जो है हम बना रहे, इनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा है कि हमें गोभी वाले पराठे खाने हैं, तो अभी मैं बना रही हूँ गोभी वाले पराठे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना जी, हमारे साथ रहना है और देखते रहना है जी गोभी के पराठे। अभी ना मैं लगाने लगी यहाँ पर आग, तीली जो है मेरी एक बुझ चुकी है, अभी उसे जलाती आग ताकि आग जले। अब हम साथ साथ जो है ना शुरू करें अपना पराठा वगैरह। शापर को जो है ना आग लग चुकी है, लकड़ी को आग लगाने के लिए हमने शापर को लगाई है, वो आग लग गई है। अब देखते हैं जी नेक्स्ट हम क्या करते हैं अभी। और ये मैंने एक रोटी जो बना के उसके ऊपर सालन लगा रही है गोभी वाला, ये है सालन गोभी वाला, इसको मैंने अच्छे से ना मैश कर लिया। पेड़ा जाना मैं उसको रख लेती हूँ, तब तक आप जाना वो सेट हो जाएगी। तो हम अच्छे से ना साइडों से कर देंगे, ये जी हम जो डालने लगे हैं ये है डल गया यहाँ पे पराठा हमारा तवे के ऊपर आ चुका है जी। देख रहे हैं आप तवे के ऊपर हमने ना पराठे को दिया है रात, ये हमारा पहला पराठा जो हमने रेडी किया है। अब हम दूसरे को कर लेते हैं साथ में तैयार, तब तक वो सेट हो रहा है नीचे से। आग लकड़ियों वाली है इसलिए आपको धुआं धुआं ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि लकड़ियां जो है ना वो कभी सही से चलती हैं कभी नहीं चलती, बस ये काम है इनका। जी हमारे जो है ना पराठे हो गए हैं तैयार, और मैं आपको दिखा देती हूँ जी, ये देखें माशाल्लाह, ये है हमारा एक पराठा, ये दो हैं और ये तीन हैं, क्योंकि हम तीन लोग हैं तो इसलिए हमने तीन पराठे बनाए हैं। ठीक है जी, एक मैंने अपने लिए बनाया, एक अहमद के लिए, एक अहमद के बाबा के लिए। और हम जो है ना अब इसको दही के साथ करेंगे एंजॉय, साथ में दही थोड़ा सा पड़ा है अंदर वो लेंगे और उसके साथ करेंगे एंजॉय। और थोड़ा सा जो सालन है ना पहला उसका शोरबा पड़ा हुआ है, मैं तो उसके साथ खाऊंगी, बड़ा मज़ा आता है पराठे का शोरबे वाले सालन के साथ। तो इसलिए अब मैं चलती हूँ अंदर, और आप लोगों ने बताना है आपको कैसे लगे आज के पराठे और दोपहर की रोटी।